अस्सलाम वालेकुम मैं हूं मोहम्मद हारिस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी पी एस न्यू बुकनवाल आज की इस वीडियो में मैं ईस्ट मॉड्यूल थ्री के यूनिट नंबर थ्री के फाइनल क्वीज़ के जो तमाम के तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो शफलिंग्स होती हैं टीचर्स के प्रोफाइल्स के अंदर उन तमाम कोश्चन्स को उन तमाम सवाला को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा उम्मीद है अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो बिना टाइम जया कि ये हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल जो कि आपको अपने फाइनल क्वीज़ के अंदर यूनिट नंबर थ्री के अंदर देखने को मिल सकता है वो है सर्कल स्टोरी इज अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स डैट लर्नर्स रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेसन तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आएगी सर्कल स्टोरी जिसमें हम एक बैग में से वर्ड्स लेते हैं ना कि पिछले लेसन में से तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है गुड वे ऑफ टीचिंग न्यू वर्ड्स इज टू राइट ऑल द वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क लर्नर्स टू कॉपी एंड रूट लर्न दैम तो बच्चों से हम कहें कि उनको रटा लगाए और हम उसको वाइट बोर्ड पर लिख दें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेपिटेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द वेरियस कॉन्टेक्ट्स विल इंक्रीज लर्नर्स वो कैबलरी तो जब हम रेपिटेशन करते हैं बार बार दोहराई करते हैं तो वो स्टेटमेंट को यह बात ट्रू कर रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन डिस्क्राइब द करेक्टर वो कैबलरी गेम लर्नर सर्च फॉर डिफरेंट वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट इन द स्टोरी एंड देयर थॉट्स एंड एक्शंस तो यह जो गेम वाली बात हुई है यह बिल्कुल ठीक बात है इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैनेजिंग अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस टास्क इज नॉट इंपॉर्टेंट एज इट लिमिट्स द लर्नर्स टू यूज न्यू वर्ड सिलेक्ट वन तो ये बात बिल्कुल ठीक कर रही है कि ये जो लर्नर्स होते हैं उनको लिमिट कर देती है महदूद कर देती है हम स्टेटमेंट को ट्रू पर टैप करेंगे तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ गेम ऑफ पोप अ लर्नर हैजू गेस दर्ड रिटर्न ऑन द बोर्ड सिटिंग ऑन अ चेयर फेसिंग द क्लास वाइल द अदर लर्नर गिव हिम क्लूज तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है लेकिन ये इन अ गेम ऑफ पोप की एक्टिविटी नहीं है उसके बारे में नहीं है तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्नर्स यूज द कॉन्टेक्स्ट टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ एन अनफमिलियर वर्ड व्हेन टीचर्स यूज़ द इंसीडेंटल वोकेबलरी टीचिंग अप्रोच तो इसमें हम स्टेटमेंट को ट्रू पर टैप करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास वो कैन इम्प्रूव इवन इफ लर्नर्स रूट लर्न न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स तो इसमें भी रटेबाजी की बात हो रही है इसमें हम जो है फॉल्स पर टैप करेंगे रटेबाजी से आप वक्ती तौर पे तो कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वो को याद रख नहीं रख सकते उसको इंप्रूव नहीं, नहीं कर सकते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इन डिकॉकबल्स लर्नर्स राइट प्रीवियसली लर्न वर्ड्स ओनली आफ्टर लिसनिंग टू द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट वन तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसको हम ट्रू पर टैप करेंगे बाय कीपिंग डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड डिफ्रेंशिएशन प्रिंसिपल्स इन माइंड टीचर्स नीड नोट कंसिडर तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए गए थे कि यूजिंग ईडियम्स इन क्लासेज सो डैट द लेवल ऑफ लर्नरस्टैंडिंग इनक्रीज यूजिंग ईडियम्स इन क्लासेज सो डैट द लेवल ऑफ लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजिज एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू एवरी लर्न टू लर्न ंग अपर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू रिपीट न्यू वर्ड इन देयर ओन कॉन्टेक्सट तो इसमें हम ए ऑप्शन ईडियम इन क्लासेस अंडरस्टेंडिंग इनक्रीजेज ए पर हम टैप करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्विक फायर क्विज अ लर्नर हैजू गेस द राइट वर्ड ऑन द कार्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज एंड रिलेटेड वर्ड सजेस्टेड बाय हिज फेलो लर्नर्स तो इस हमारे पास जो क्विज फायर का ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ठीक है इसमें हम ट्रू पर टैप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग डिफरेंशिएटेड लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव टेक्निक्स बेसिकली इसमें ए बी सी तीनों सेम के सेम हमारे पास ऑप्शन है तो हम इस वजह से किसी ए को टिक नहीं करेंगे डी पे हम टैप करेंगे ऑल ऑफ द अबव लर्नर्स मेकिंग वर्ड क्लोज क्लाउड्स यानी कि बादल तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्नर्स मेक यूज ऑफ राफ्ट्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्रोस्टिक पोइम सेलेक्ट वन तो इसमें हम इसको फॉल्स पर टैप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसाइकलिंग वोकेबलरी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्न वर्ड्स तो रीसाइकल का मतलब ही ये होता है कि हम उसको दोबारा में इस्तेमाल में लाएं तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यानी कि सही बात की जा रही है कि आप पुराने जो अल्फाज हैं उनको दोबारा से रिकॉल करें तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मैंने इसको मुख्तसर रखने की कोशिश की और उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर जो है कवर अप हो गए होंगे फिर भी किसी टीचर का ऐसा क्वेश्चन जो उसके यूनिट में आया हो और इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं उनका आंसर करूँगा तो अब तक के लिए इतना ही मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो और बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिएगा तो मैं मोहम्मद हारिस मिलेंगे अगली किसी वीडियो में अल्लाह हाफिज़